नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के टीयर रिसेट के बारे में। तो जब भी कोई नया सीजन आता है तो जितने भी आप ऊपर टीयर में रहेंगे उतना ही आप नीचे आ जाते हैं, ये हर बार होता है हमारे साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजन 11 के अंदर आप कौन से टीयर में आने वाला है, क्योंकि इस बार थोड़ा चेंजेस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है एंड मेरा इंस्टा आईडी है rp_information, जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ब्रोंज से लेकर पूरा कॉन्क्रीट तक जितने भी सारे लीग्स हैं सभी के टीयर रिसेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रोंज टीयर के अंदर। तो आई होप कोई अभी ब्रोंज टीयर के अंदर नहीं होगा। ब्रोंज 1 से लेकर ब्रोंज 5 के अंदर देख पा रहे कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप ब्रोंज 1 से लेकर 5 में किसी में भी रहे तो आप ब्रोंज में ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जितना लगता है कि अभी कोई ब्रोंज में नहीं होगा। एंड रैंकिंग पॉइंट्स का थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, पर अगर आप ब्रोंज में रहते हैं तो ब्रोंज में ही रह जाएंगे, इसमें आपका कोई डाउन नहीं होगा टीयर। एंड उसके बाद आता है सिल्वर का। तो सिल्वर का भी सेम ही है ब्रोंज की तरह, मतलब थोड़ा बहुत रैंकिंग में फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है नया सीजन के अंदर, पर कोई भी टीयर आपका डाउन नहीं होगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड 2, 3, 4 एंड 5 में अगर आप सीजन 10 को ख़त्म करते हैं तो डायरेक्टली आप गोल्ड 5 के अंदर पहुंच जाएंगे, अगर आप गोल्ड 2 में भी है तो। एंड उसके बाद गोल्ड 1 में अगर आप रहते हैं सीजन 10 के अंदर तो सीजन 11 के अंदर आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे गोल्ड 4 के अंदर। एंड उसके साथ साथ अगर आप प्लेटिनम 5 या 4 में भी फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो तब भी आप गोल्ड 4 के अंदर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो प्लेटिनम के बाकी टीयर है जैसे कि 1, 2 एंड 3, तो अगर आप इनमें फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो आप पहुंच जाएंगे गोल्ड 3 के अंदर। तो उसके बाद आता है डायमंड की। तो डायमंड 3, 4 एंड 5 में अगर आप फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो आप गोल्ड 2 के अंदर आ जाएंगे। एंड उसके बाद डायमंड 1 एंड 2 के अंदर अगर आप फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो डायरेक्टली आप आ जाएंगे गोल्ड 1 के अंदर। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्राउन की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर अभी क्राउन के अंदर ही होंगे, कोई प्लेयर एस के अंदर होगा। मैं भी अभी क्राउन के अंदर ही हूँ, पर अभी घुस जाऊँगा एस के अंदर क्योंकि ज़्यादा पॉइंट बाकी नहीं है एस तक जाने के लिए। एंड देख पा रहे होंगे क्राउन 4 एंड 5 में अगर आप फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो आप प्लेटिनम 5 के अंदर आ जाएंगे नया सीजन के अंदर। एंड उसके बाद अगर आप क्राउन 2 एंड 3 में फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो आप प्लेटिनम 4 के अंदर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप क्राउन 1 के अंदर फिनिश करते हैं सीजन 10 को तो आप आ जाएंगे प्लेटिनम 3 के अंदर। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आप फिनिश करते हैं एस के अंदर कोई भी सीजन तो आ जाते थे डायरेक्टली प्लेटिनम 3 के अंदर, पर इस बार थोड़ा टीयर को अप किया गया है, इसलिए देख पा रहे क्राउन 1 में भी अगर आप सीजन को एंड करते हैं तो आप आ जाएंगे प्लेटिनम 3 के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिला है। एंड अभी बात कर लेते हैं एस की, क्योंकि एस के अंदर इस बार स्टार का नया सिस्टम लाया गया है। एंड जिनको अभी तक समझ नहीं आया स्टार सिस्टम क्या है तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, आप इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हैं। तो एस के अंदर आपको टोटल 3 स्टार देखने को मिला था, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड करके। तो अगर आप कॉपर 1 से लेके 5 तक रहते हैं या आप सिल्वर पे रहते हैं तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे प्लेटिनम 2 के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। एंड ज़्यादातर लोग अभी कॉपर में ही होंगे, मैं भी अगर घुसता हूँ इसके अंदर तो मैं कॉपर में ही रहूँगा, तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊँगा प्लेटिनम 2 के अंदर। एंड दोस्तों अगर आप इस बार सीजन को ख़त्म करते हैं एस सिल्वर 6 प्लस के ऊपर या गोल्ड के अंदर, एस गोल्ड के अंदर, एंड अगर आप कॉन्क्रीटर में भी अभी पहुंच चुके हैं तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जब नया सीजन आएगा उसके अंदर प्लेटिनम 1 के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिला है तो काफ़ी सही है, थोड़ा रैंक पुश करने में इजी होगा नेक्स्ट सीजन, क्योंकि थोड़ा टीयर आपका ऊपर रहेगा। तो काफ़ी सही सिस्टम मुझे ये लगा है। तो आपको कैसा लगा ये नया टीयर का सिस्टम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये भी कमेंट करना बताना ना भूला कि अभी आप कौन से टीयर के अंदर है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त लोग पबजी मोबाइल खेलते हैं सभी के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। एंड बेल आइकन के साथ साथ जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फिर मैं एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।